600 मिलियन डॉलर्स का नुकसान और 6 इनोसेंट लोगों की जान गई है इस खौफनाक हादसे में, जिसमें एक 300 मीटर लंबे जहाज ने यूएसए की बाल्टीमोर सिटी के फेमस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के पिलर से टकराकर उसे गिरा दिया। आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में इस हादसे के बारे में। 26 मार्च 2024 को सुबह के 1 बजे एमवी डाली नाम की कंटेनर शिप निकलती है बाल्टीमोर के पोर्ट से कोलंबो श्रीलंका की ओर। सुबह 1:24 पर शिप पर पहला ब्लैकआउट देखा जाता है। ब्लैकआउट का मतलब है टोटल पावर लॉस, और इसके कारण शिप का इंजन भी बंद हो जाता है। 1:25 पर शिप की पावर रिस्टोर की जाती है और 1:26 पे दोबारा एक ब्लैकआउट देखा जाता है। 1:27 पर यह जहाज की ब्रिज के मेन सपोर्ट पिलर से टकराकर उसे चंद सेकंड्स में गिरा देता है। हादसे के समय 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में से 2 वर्कर्स को आईसी कोल्ड वाटर से रेस्क्यू किया गया और बाकी 6 वर्कर्स अभी तक स्टिल मिसिंग है।